नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स, आसान मासिक किस्तों पर। सावन की पहली सोमवारी पर देश भर में दिखा उत्साह। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवगछिया में सोमवारी को लेकर गंगा स्नान के दौरान 6 बच्चियां डूबी, 2 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस पाठशाला के तहत निशुल्क सिविल सर्विसेज कक्षा की होगी शुरुआत। एसएसपी आशीष भारती करेंगे मॉनिटरिंग। अवैध संबंध को लेकर जलाई गई महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने नवगछिया एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने कांवरिया पथ पर डाक बम पुलिस सेवा शिविर का किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। श्रावण माह की पहली सोमवारी के अवसर पर भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर, नाथनगर मनस्कामना नाथ मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। सावन की पहली सोमवारी होने के कारण मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा और शिव भक्तों ने भगवान के दर्शन कर जलाभिषेक किया। सोमवारी को लेकर मंदिर प्रशासन के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए थे, जहां कतारबद्ध होकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिरों एवं शिवालयों को भव्य रूप से सजाया गया और मंदिर परिसर में शिव भक्तों की भीड़ जुटने से पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव एवं बोलबम के नारों से गूंजता रहा। भागलपुर बूढ़ानाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर भारी संख्या में पुरुष, महिला एवं युवा श्रद्धालुओं ने बाबा बृहदेश्वर नाथ पर जलाभिषेक किया। इस दौरान रंग बिरंगे फूलों से मंदिरों को सजाया गया एवं पुरुष एवं महिला श्रद्धालुओं ने अलग अलग कतार बनाकर भक्ति भाव से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। नाथनगर मनस्कामना नाथ मंदिर में सोमवार को सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा और सावन की सोमवारी पर श्रद्धालुओं ने बाबा मनस्कामना नाथ को जलाभिषेक किया। इसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से कई प्रकार की तैयारियां की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। भागलपुर शाकुंड पहाड़ पर स्थित गिरिवरनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। सुबह से ही गिरिवरनाथ महादेव की पूजा करने श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुरुष, महिला एवं युवाओं के साथ बच्चों ने भी पहाड़ी पर चढ़कर गिरिवरनाथ को जलाभिषेक किया। वहीं सुल्तानगंज अजगैवीनाथ मंदिर में भागलपुर सहित कई जगहों से आए शिव भक्तों ने बाबा अजगैवीनाथ का उत्तरवाहिनी गंगा जल से अभिषेक किया और बाबा धाम जाने वाले कांवरियों ने भी बाबा अजगैवीनाथ का पूजा किया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बोलबम के नारों से गूंजता रहा। पहली सोमवारी को लेकर नवगछिया के छोटी पर्वत्ता स्थित सत्संग भवन के समीप गंगा नदी में स्नान के दौरान छात्रा अंशु कुमारी और आशा कुमारी की मौत डूबने से हो गई, जबकि स्थानीय महिला रंजू देवी ने ग्रामीणों के सहयोग से 4 बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सोमवारी पर्व करने के क्रम में बच्चा नहाल गए गंगा जी, बस 5-7 बच्चा छे, वो 3 बच्चा ऊपर होल, 2 बच्चा डूबी। आमतौर पर पुलिस की छवि अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जानी जाती है, लेकिन विगत 2 वर्षों से भागलपुर पुलिस प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। दरअसल कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत भागलपुर के तत्कालीन एसएसपी मनोज कुमार के द्वारा निशुल्क पुलिस पाठशाला प्रारंभ की गई थी, जिसमें दारोगा अभ्यर्थियों को पुलिस अधिकारी एवं शिक्षकों द्वारा परीक्षा की तैयारी कराई जाती थी। परीक्षा में शामिल पुलिस पाठशाला के कई अभ्यर्थियों ने सफलता भी हासिल किया।
इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर के वर्तमान एसएसपी आशीष भारती ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पाठशाला जारी रखते हुए नई शुरुआत की है, जिसमें दारोगा अभ्यर्थियों के साथ अब यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। पुलिस पाठशाला के परिणाम से उत्साहित एसएसपी आशीष भारती ने क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने की बात कही। इसको लेकर तातारपुर और विश्वविद्यालय थाना में इच्छुक छात्र रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जिला स्कूल में 24 जुलाई से कक्षा की शुरुआत होगी। तातारपुर थाना के एसआई मोहम्मद कमाल ने बताया कि अब तक 200 से अधिक छात्र निशुल्क पाठशाला के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने लगभग 250 छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन जमा करने की बात कही। पुलिस की इस पहल से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने पुलिस प्रशासन की जमकर प्रशंसा की। वहीं एसएसपी आशीष भारती ने पुलिस पाठशाला को लेकर कई अहम जानकारी दी। भागलपुर पुलिस के द्वारा आम जनता और शिक्षकों के सहयोग से निशुल्क पुलिस पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी एग्ज़ाम को टारगेट करके इसको किया जा रहा है। वैसे छात्र जो बीपीएससी एग्ज़ाम तथा जो आगामी जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रातःकालीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और पूर्व में भी जो सब इंस्पेक्टर का तथा जो बीपीएससी के लिए क्लासेस चलाई गई थी जिससे काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए थे, तो यह क्लास फिर से दोबारा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांग पर चलाया जा रहा है और हम लोग इसको अगले तीन से चार महीने तक ये चलेगा जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। और इसमें विभिन्न जो शिक्षक हैं विभिन्न कॉलेजेस के विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के सभी लोग निःशुल्क अपनी सेवाएं देंगे। इसलिए जो क्लासेस चली थी उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। करीब एक ही जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का उससे लगभग 50 बच्चे सिर्फ इस पाठशाला से पढ़ करके उनका सिलेक्शन हुआ था और इसके अतिरिक्त बीपीएससी में भी 3-4 लोग का सिलेक्शन हुआ था, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। निःशुल्क और जो क्वालिटी एजुकेशन है वो वहाँ पे दी जाए। खरीक थाना क्षेत्र के पूर्वी घरारी गांव में 3 जुलाई को भाभी से अवैध संबंध के कारण मोहम्मद सनोवर ने पत्नी को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें पत्नी बेगम खातून बुरी तरह से जल गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही बेगम खातून के पिता ने खरीक पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया था। बेगम खातून भागलपुर मायागंज अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग सोमवार की सुबह हार गई। बेगम खातून तकरीबन 80% से अधिक जल चुकी थी। बेगम खातून के मौत के बाद ससुराल वाले घर छोड़कर भाग गए, लेकिन पुलिस ने आरोपी पति मोहम्मद सनोवर को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय नवगछिया पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। देखिए, खरीक में लगभग 20-25 दिन पहले घटना घटी थी जिसमें एक महिला जो है मतलब जल गई थी, जिसमें परिवार वाले जो है महिला के जो मायके वाले हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को जला दिया गया है ससुराल वालों की तरफ से। तो उनकी शादी को लगभग 13 साल हो चुके हैं महिला की शादी को, और जितने भी परिवार वाले हैं सब कोई अपना अलग अलग घर बनाकर रहता है, तो उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी उसी दिन हो गई थी। बाकी लोग जो हैं उसके जैसे जो देवर हैं या जेठ हैं सब लोगों का उसमें नाम है, उसमें सुपरविजन अभी तक नहीं हुआ है और अनुसंधान में अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो सब लोग उस घटना को करने में शामिल हैं या नहीं है। आज सुबह में जो इलाजरत थी महिला वहाँ पर 20-25 दिनों से, तो आज उस इलाज के क्रम में जो वो जल गई थी उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो परिवार वाले आए थे उसी संदर्भ में गिरफ्तारी के लिए, तो हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि बांका भैरोपुर कामारिया पथ में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता और पत्नी स्वाति देवी ने संयुक्त रूप से डाक बम पुलिस सेवा शिविर का उद्घाटन किया। एसपी ने डाक बम एवं कांवरियों के बीच फल वितरण किया। हम आपको बता दें कि बांका पुलिस परिवार की ओर से लगातार 32 सालों से सेवा शिविर आयोजित की जाती है। मौके पर एडिशनल एसपी सह एसडीपीओ मदन कुमार आनंद, कटोरिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष सचिदानंद तिवारी, पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष उपस्थित थे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।
ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र एवं खेल मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत सोमवार को कहलगांव बटेश्वरनाथ मंदिर प्रांगण एवं गंगा घाटों पर रोहित गुप्ता की अध्यक्षता में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने मंदिर प्रांगण और गंगा घाट पर फैले कूड़े कचरों को साफ किया, साथ ही दुकानदारों से दुकान के आगे कूड़ादान रखने की अपील की और गंगा स्नान करने आए लोगों से गंगा में पूजन सामग्री प्लास्टिक एवं साबुन का प्रयोग नहीं करने को लेकर जागरूक किया। भागलपुर के नाथनगर में डिटॉल बनेगा स्वच्छ इंडिया। आद्रा इंडिया की ओर से स्वच्छता को लेकर प्राथमिक और मध्य विद्यालय के छात्रों के बीच डिटॉल हैंडवाश वितरण कर जागरूक किया गया। जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि बरसात के मौसम में बच्चे ज़्यादा बीमारी की चपेट में आते हैं, इसका मुख्य कारण गंदे हाथ से भोजन करते हैं। संस्था के समन्वयक शंभु कुमार सिंह ने कहा कि आद्रा इंडिया के सहयोग से बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मौके पर मृत्युंजय कुमार, सुजीत कुमार, कुंदन गांधी समेत कई लोग उपस्थित थे। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र सर्फदंश से भदरिया गांव निवासी नरेश मंडल की पत्नी रोड़ो देवी की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार मृतक महिला खेत में मूंग तोड़ रही थी, इस दौरान जहरीले सांप ने डस लिया, जिसके बाद परिजनों ने महिला को अमरपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर घोघा रेलवे स्टेशन परिसर में राजभाषा पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त घोघा निवासी जयप्रकाश यादव ने वृक्षारोपण किया। इसके उपरांत नागेश्वर मंडल की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण को लेकर वृक्षारोपण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में लायंस क्लब के अध्यक्ष नवीन कुमार, संस्थापक अमरजीत पंडित, उदय भारती ने विचार प्रकट किए। मौके पर स्टेशन प्रबंधक गिरीश प्रसाद सिंह, राजीव रंजन, रतन यादव सहित काफ़ी संख्या में संस्था के सदस्य और लोग शामिल थे। बौसी प्रखंड के असनाहा पंचायत वार्ड 13 में सात निश्चय योजना में नियम कानून को नज़रअंदाज कर नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है। योजना के कार्यों में काफ़ी अनियमितता है, जगह जगह पाइप लीकेज है, क्षेत्र में पाइप सही तरीके से नहीं बिछाया गया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत मुखिया से करने गए, लेकिन मुखिया ने दबंगई दिखाते हुए लोगों को भगा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सोमवार को जमकर बवाल किया। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य का जायजा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जमीनी स्तर पर जांच नहीं की जाती है, जिसके कारण ग्रामीणों को सरकारी योजना का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता है। कटोरिया सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर सतलेटवा मोड़ के समीप सड़क हादसे में असम के चार कांवरिया गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए देवघर रेफर कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सभी कांवरिया देवघर में पूजा करने के बाद कार से असम वापस लौट रहे थे, इस दौरान चालक को नींद आ गई, जिसके कारण कार पलट गई। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। सावन की पहली सोमवारी पर देश भर में दिखा उत्साह, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवगछिया में सोमवारी को लेकर गंगा स्नान के दौरान 6 बच्चियां डूबी, 2 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस पाठशाला के तहत निशुल्क सिविल सर्विसेज कक्षा की होगी शुरुआत, एसएसपी आशीष भारती करेंगे मॉनिटरिंग। अवैध संबंध को लेकर जलाई गई महिला की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने नवगछिया एसपी से लगाई न्याय की गुहार। और बांका एसपी अरविंद गुप्ता ने कांवरिया पथ पर डाक बम पुलिस सेवा शिविर का किया शुभारंभ।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।